Hello everyone, myself SP Ola and we are now discussing the second part of the amine chapter class 12th chemistry unit 13. Myself SP Ola, PGT chemistry from Kendriya Vidyalaya Jalawar. In this lecture we will discuss about the nomenclature of the amines. So let's start nomenclature of amines now in the nomenclature of amines in common system an aliphatic amine is named by prefixing alkyl group to amine that is alkyl amine is one word for example methylamine how can we write methylamine ch3 and h2 so in the common system

डाई मिथाइल अमाइन ओके आईयूपीएसी सिस्टम में जो है नोमन क्लेचर कैसे करते हैं देखते हैं अमाइंस आर नेम्ड एज अमाइन, ठीक है हम इसको लिखेंगे ए एल -E, के ए एन ई एल्केन का ई e हटाएंगे और एम आई एन ई अमाइन ऐड करेंगे ठीक है बच्चों डिराइव्ड बाय रिप्लेसिंग ई डिराइव्ड बाय रिप्लेसिंग ई ऑफ एल केन बाई द वर्ड अमाइन फॉर एग्जांपल सी एच थ्री एन एच टू का नाम क्या होगा मेथेन अमाइन इन केस मोर देन वन अमीनो ग्रुप इज प्रेजेंटेड डिफरेंट पोजीशन इन द पेरेंट चेन देयर पोजीशंस आर स्पेसिफाइड बाय giving numbers to the carbon atom bearing NH2 group and suitable prefix such as di tri etc is attached to the amine a letter e of suffix of the hydrocarbon part is retained. देखिए यह एक बहुत सिंपल सी बात कही जा रही है मैं एक एग्जाम्पल आपके साथ में लेता हूँ इस एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझेंगे कि मान लीजिए मेरे पास ये फोर कार्बन की चेन है जिसमें फर्स्ट पे भी एन एच टू है और थर्ड पे भी एन एच टू है तो हम इसका नोमन क्लेचर करते समय पहले चेन को नंबरिंग करेंगे और उसके बाद इसको नेम करेंगे अब मेरे पास और कोई ग्रुप अगर नहीं है तो हमारा पहला जो ग्रुप है एन एच टू वो फर्स्ट कार्बन पे जुड़ा है और सेकेंड जुड़ा है थर्ड पे क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो नेम कैसे लिखेंगे कंपाउंड का पहले एल्केन लिखेंगे फोर कार्बन का एल्केन ब्यूटेन का ई हटाएंगे लेकिन ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पर दो एन एच टू ग्रुप हैं तो यहाँ ई भी आएगा और दोनों की पोजीशन वन कोमा थ्री ग्रुप टू टाइम है तो यह हम लिखेंगे डाई और ग्रुप का नाम क्या है बच्चों ए एम आई एन ई -E, तो इसका नेम हो गया ब्यूटेन वन थ्री डाई एम एन यहाँ कन्फ्यूज ना हो अगर अमाइन और एलकेन के नेम के बीच में डाई ट्राई टेट्रा जो कि एन एच टू ग्रुप के नंबर को इंडिकेट करता है वो आएगा तो यहाँ एलकेन का ई हम डिलीट नहीं करेंगे इसको हम रिटेन करेंगे ओके नॉमन क्लेचर ऑफ अमाइन में आगे बढ़ते हैं फॉर एग्जाम्पल एन एच टू सी एच टू सी एच टू एन एच टू का नेम क्या होगा एथेन वन टू डाइम जैसे अभी हमने देखा इन अराल अमाइन एन एच टू ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू देंजीनियरिंग सी सिक्स एच फाइव एन एच टू इज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अराइल अमाइन इसका कॉमन नेम क्या है बच्चों इसको एनलिन कहते हैं और इसको आई यू पी एस सी नेम में भी एक्सेप्ट किया गया है वाइल नेमिंग अराइल अमाइंस अकॉर्डिंग टू आई यू पी एस सी सिस्टम सफिक्स ई ऑफ अरिन इज रिप्लेस बाय अमाइन दस आई यू पी एस सी इन आई पी एस सी सिस्टम सी सिक्स एच फाइव एन एच टू का नाम क्या होगा बच्चों बेंजिन अमाइन ठीक है बेंजीन का ई हटेगा अमाइन के रूप में इसको लिखेंगे नाउ यू कैन डू लाइक दिस कुछ और नॉमन क्लेचर हैं गेट रेडी ओके नाउ नाव स्टार्टेड दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन कॉमन नेम इथाइल मिथाइल अमाइन ठीक है ऊपर यहाँ पर हाइड्रोजन है एंड दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल डाई अमाइन ओके okay, बच्चों यहाँ पर जो है एक कार्बन है ऊपर की तरफ में सो इट सीम्स टू बी लाइक दिस सी हियर इट इज द कार्बन एटम इस कंपाउंड का नाम क्या है यहां पर एक चीज आप ध्यान देंगे यहाँ एसिड है अगर किसी कंपाउंड में एसिड भी और एनएच टू है तो एसिड की प्रेफरेंस ज्यादा होगी उसके रेफरेंस में एसिड का कार्बन वन टू थ्री फोर तो एन एच टू ग्रुप एज ए प्रीफिक्स आएगा सो नेम ऑफ कंपाउंड इज फोर अमीनो ब्यूटायरिक एसिड और बेटर है इट शुड बी रिटर्न एज ब्यूटेनोइ एसिड करेक्शन है यहाँ पर देखिएगा एल्कोहल की भी प्रेफरेंस इससे ज़्यादा होती है सो एन एच टू को एज ए प्रीफिक्स हम लिखेंगे टू अमीनो एथेनॉल सिमिलरली इन सभी कंपाउंड में जो है वो नोमन आई पी एस सी नॉर्म्स को फॉलो करते हुए हमें लिखना है ठीक है बच्चों नेक्स्ट इज दिस इज द टेबल फॉर्म ओवर एन सी आर टी दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड किया है सी दिस इज कॉमन नेम एथेनामाइन दो कार्बन का अमाइन एथेनामाइन आई पी एस सी नेम भी एथेनामाइन है यहाँ पर देखिए थ्री कार्बन का कंपाउंड जिसके फर्स्ट कार्बन पे एन एच टू है सो कॉमन नेम इज़ एन प्रोपाइल एन स्टैंड फॉर नॉर्मल यानी कि लीनियर चेन लीनियर कभी भी स्ट्रेट हो ऐसा जरूरी नहीं है सो प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज ठीक है यहाँ पर एन एच टू फर्स्ट कार्बन से जुड़ा है तो प्रोपेन वन अमाइन यहाँ देखिए क्योंकि डाई ट्राई नहीं आ रहा है इसलिए एल्केन का ई e हट गया है यहाँ पर प्रोपेन के साथ ई e नहीं है और वन डैश अमाइन लिखा है यहाँ देखिए बच्चों ये कार्बन सेकेंडरी है क्योंकि ये दो दूसरे कार्बन से जुड़ा है लेकिन एन एच टू ग्रुप प्राइमरी है इसका कॉमन नेम है आइसोप्रोपाइल अमाइन और इसका आई पी नेम है प्रोपेन टू अमाइन ये जो कंपाउंड है अभी ये अमाइन है क्यों क्योंकि एक तरफ सी एच थ्री है एक तरफ सी टू एच फाइव क्योंकि नाइट्रोजन दो अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है सो इट इज सेकेंडरी इसका आई पी नेम इथाइल मिथाइल अमाइन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे इन ग्रुप्स का नाम कॉमन नेम में आई नेम में जो छोटा ग्रुप है बच्चों छोटे ग्रुप को आप एन सब्स्टिट्यूटेड लिखेंगे स, ग्रुप जैसे स्मॉलर ग्रुप इज मिथाइल सो वील राइट इट एज एन मिथाइल फिर दो कार्बन का अल्केमाइन एथेनामाइन ओके सिमिलरली यर थ्री अल्काइल ग्रुप्स आर देयर भले ही तीनों ग्रुप सेम हो लेकिन एक को आप बेस चेन मानेंगे और दो आपके सब्सटिट्यूंट हो गए सो दोनों को कैसे लिखेंगे एन कोमा एन दो बार ग्रुप आ रहा है तो डाई ग्रुप का नाम है मिथाइल फिर एक कार्बन का एल्केनामाइन नमाइन इस तरह हम इसका नमन लिखेंगे ओके okay, बच्चों सिमिलरली <coughs> ये जो आपका ग्रुप है इस ग्रुप में भी जो नेक्स्ट आपका कंपाउंड है उसका नमन इसी तरह होगा ठीक है वो कैसे होगा इसको आप एक बार खुद प्रैक्टिस करेंगे कि ये एन सी आर टी टेबल के हैं और बोर्ड में सबसे ज़्यादा इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वन दिस वन ये भी बहुत पूछा जाता है दिस वन इवन दिस वन तो इनके कॉमन नेम ये टेबल में दे रखे हैं और आई पी सी नेम ये सब दिए हुए हैं इनको रूल को फॉलो करते हुए हमको यूज़ करना है थैंक यू वेरी मच बच्चों